अजमेर के श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा आज अजमेर जिला कलेक्टर को संगठन में जुड़े 117 संगठन की विभिन्न समस्याओं को अजमेर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। व्यापारिक संगठन महासंघ के महासचिव रमेश लालवाली ने जानकारी देते हुए बताया कि 117 संगठन से बने महासंघ की विभिन्न समस्याओं, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, रामगंज की समस्या, नया बाजार में नई पार्किंग में वाहन पार्क करवाने की समस्याओं से अजमेर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया कि वह स्वयं प्रस्तुत होकर समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण करवाएंगे। आज हम मंडी की समस्याओं के बारे में जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके ज्ञापन दिया है कि हमारी समस्याएं जो कि सेक्रेटरी साहब को हमने कई बार उनसे अवगत कराया, लेकिन उसका कोई भी असर आज तक नहीं हुआ है, जिसके बारे में आज कलेक्टर साहब से पूरी मुलाकात करके पूरी परेशानियां जो सड़कों की और प्लेटफार्म की वगैरह और पानी की समस्या और अतिक्रमण की समस्याएं जो थी वो सारी कलेक्टर साहब को बताई है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, वो खुद वहां पर मंडी का निरीक्षण करेंगे, तब बताएंगे जैसा भी होगा। उन्होंने हमारी बात को पूरा ध्यानपूर्वक सुना है, आगे वो क्या कार्रवाई करते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा दो चार दिन में करेंगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं हीरानंद विजरानी, फ्रूट अध्यक्ष, फ्रूट मंडी एसोसिएशन। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से 117 संगठन जुड़े हुए हैं। आज हमने हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र जी बंसल साहब, सलाहकार अशोक जी मुदगल साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक दुलानी मामा, किशोर टेकवानी, हीरानंद जी, सबके नेतृत्व में यहाँ आकर के अंशदीप जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। विभिन्न क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनमें दौराई जो ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है आज से विकसित नहीं हुआ, 30 साल हो गए, उसके संबंध में बोला। ब्यावर रोड पर जो फ्रूट मंडी है उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है, छत ऑक्शन प्लेटफॉर्म गिरना है, उसकी रिपेयर आज तक नहीं हुई है, उसके बारे में बोला गया। शहर में पीने के पानी की समस्या है उसके संबंध में बात की गई, एलिवेटेड रोड का काम रुका हुआ है उसके बारे में बात की गई, ब्यावर रोड पर डेयरी फाटक पे आरोपी जो हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।